मैं नोट फिर आते रहिए खाते रहे अवेड़ा सर सब नहीं हेल्प पड़े सर पूछते रहिए वेट में बोला मैं नहीं यार भाई वैसे चलेगी हां हो या थैंक यू बैक तो चलो जाते हैं इंदौर और नहीं वेरी बैड आई विल डू दिस अगेन कहते हैं कि इंदौर आकर अगर आपने कचौरी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया मैंने सोचा आपको भी भूख लगी होगी हम इंदौर आए ही हैं तो क्यों ना कचौरियां हो जाए तो चलो जाते हैं इंदौर के अंदर और पूछते हैं कि कचौरियों में खाने में क्या है तो ये है अग्रवाल जी कचौरी वाले और इनके दो कचौरियाँ फेमस है एक तो भुट्टे की कचौरी अभी इंदौर में आएंगे तो भुट्टा तो खाना ही है हा? तो भुट्टे की कचौरी और दूसरी लहसुन की कचौरी तो भैया जी एक भुट्टे की दीजिए मुझे और एक लहसुन की लेकिन मुझे एक पूछना है आपको ये इतनी कचौरियाँ हैं आपको कैसे पता कौन सी कौन है आलू प्लेन है हाँ दाल का दो डॉट है दो डॉट है हाँ। अच्छा और भुट्टे पे एक डॉट है अच्छा ऐसे दो डॉट एक डॉट और प्लेन तो चलो ये कौन सी वाली दे रहे हैं मुझे ये भुट्टे वाली सर भुट्टे वाली चलो भुट्टे वाली दीजिएगा हाँ चटनी प्लीज डालो तो ये हो गई भुट्टे वाली कचौरी गरम है और इसमें चटनी भी डाली है दो किस्म की मैं थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि देखिए बहुत गर्म है वाह मजेदार है यू नो ज्यादा करके कचौरी जो मिलती है ना वो अंदर से खाली रहती है वैसे अंदर बहुत सारा भुट्टा है बाहर का जो खास्ता है फ्रेश है गरम गरम अभी बनाया हुआ क्रिस्प भुट्टा मसाला डाले हुए इसमें सौंफ का फ्लेवर है और गरम मसालों का फ्लेवर है मिर्ची का फ्लेवर है अभी अभी कौन सी लहसुन की दे रहे हो मुझे ना लहसुन की जरा चटनी थोड़ा कम डालना तो ये लहसुन अंदर क्या सिर्फ लहसुन डालते कैसे लहसुन का मसाला देता है हाँ ये लाइन वाली लाइन वाली लाइन होती है लहसुन की कचौरी थोड़ी तीखी है ये एक स्ट्रांग गार्लिक का स्मेल स्वाद है इसमें और इसका भी फिलिंग काफी है इसमें मसाला बहुत सारा मसाला है इसमें अपना पूरा एपिसोड
कचौड़ी कचौड़ी खा के मैं बड़ा सा कचौड़ी बन जाने वाला हूँ। पहुंचे बम के कचौरी पर, कचौरी खाने आए हैं, लेकिन ये जो हमारे राधेश्याम जी है वो सिर्फ हंसते हैं। आप हंसते हैं, मुझे कचौरी भी खिलाओगे कि नहीं? कौन सी? अभी मैं खाऊं या मैं भी हंसने लगूं? अरे गरम गरम है। बम की कचौरी, इसे पहले बम की कचौरी क्यों कहते हैं वो पूछ रहा। मैं पूछ लेता हूँ वहाँ जाऊँ मैं? हाँ अच्छा मैं वहाँ जाता हूँ, चलो कचौरी लेके जाता हूँ। अच्छा आपके जो भाई है आपके, हाँ बेटे हैं आपके, बेटे हैं आपके, हंसते हैं बहुत, हाँ क्यों हंसते हैं इतना? ये कोई बात है, अपन भी हंसे। मैं तो बहुत हंसा। अच्छा ये कौन सी कचौरी खा रहा हूँ मैं? बम कचौरी। बम, इनको बम कचौरी क्यों कहते हैं? अब इसकी ऊंची बिल्डिंग है, हाँ गिराग ऊपर रहता है और मैं नीचे खड़ा हूँ, साइकिल में बेचता था, हाँ तो बम सुनेगा फिर ऐसा बम फोड़ता था। एक बार कैसे? मैं भी करता हूँ बम। नहीं मेरी आवाज नहीं जाता, आप कीजिए एक बार। मैं ये बम। अच्छा अभी ये मैं कचौरी खाने जा रहा हूँ। तो ये मूंग की दाल की कचौरी है, तो आप सिर्फ मूंग की दाल की कचौरी बनाते हो? थोड़ा बेसन डालते हैं, मूंग की दाल और बेसन की कचौरी। लेकिन यहाँ मूंग की दाल की कचौरी नहीं पूछते, यह पूछते हैं बम की कचौरी। स्कूलों में जाता था ना, तीन कॉलेज तीन स्कूल जाता था, हाँ बम से ही पढ़ती थे। इसी से? हाँ बम से ही, बहुत जोर से आवाज लगाता था। जब इन्होंने शुरुआत की तो जोर से आवाज लगाते थे बिल्डिंग के ऊपर ताकि आवाज पहुंचे बम करके, इसलिए इसका नाम बम की कचौरी पड़ गया है। असल में है मूंग दाल और बेसन की कचौरी, बहुत स्वादिष्ट है, कुरकुरी, मसालेदार, चटनी भी बहुत अच्छी है। डबले मैं पहुंच गया हूं रवि अल्पहार, क्योंकि इनकी आलू की कचौरी यहां इंदौर में सबसे फेमस है। अंदर आलू है और ये ऊपर उन्होंने प्याज डाला है, चटनी डाली है, और आलू किसको नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है आलू। ये बहुत गर्म होती है कचौरियाँ। मुझे मजा आ गया, मसालेदार आलू अंदर, ऊपर से प्याज, और ये चटनी जो मीठी चटनी है ये भी बहुत अच्छी है।
वेरी नाइस। मैं आपको कहता हूँ अगर आप इंदौर आओगे तो एक दिन सिर्फ कचौरी के लिए रखना आप, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी कचौरियाँ मिलती है ना, और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ राजस्थान में मिलती है, लेकिन इंदौर की कचौरियाँ अलग ही है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आपको कचौरियाँ ये अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। लहसुन की कचौरी, वेरी नाइस। अब आलू की कचौरी ऑल्सो वेरी नाइस, बट लहसुन की कचौरी वेरी गुड यार। कचौरी वेजिटेरियन। मेरा फ्रेंड है ना राहुल, बोलता है कि तीखा के साथ कुछ मीठा खाना चाहिए, इसलिए क्रिस्पी आणि खुशखुशीत पण आहे।